और राधे राधे, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार के व्रत की विधि, व्रत के नियम, व्रत में आपको क्या खाना है, क्या आपको व्रत के अंदर नहीं खाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो एक मंगलवार का जो व्रत है, यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, अगर आप इसके विधि के साथ, नियम के अनुसार अगर आप इसका पालन करते हो तो ये व्रत आपकी सभी इच्छाओं को निश्चय ही पूरा कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। मंगलवार के व्रत की जो खासियत है वो ये है कि ये व्रत कभी भी सिंगल नहीं किया जाता है। ये या तो एक साथ पांच मंगल के व्रत करने पड़ेंगे, या सात व्रत आपको करने पड़ेंगे, या ग्यारह व्रत आपको करने पड़ेंगे, या फिर 21 व्रत आपको करने पड़ेंगे। तो जिस दिन मंगलवार से आप व्रत को शुरू करते हो, उसी दिन आपको संकल्प लेना पड़ता है कि मैं पांच मंगलवार तक करूंगा व्रत को, या सात मंगलवार तक करूंगा, या फिर 11 मंगलवार तक व्रत को करूंगा। तो जब भी आप पहले दिन इस व्रत का संकल्प लेते हो तो आपको मंदिर में जाना है, एक दीपक और पांच अगरबत्ती और भगवान हनुमान जी के लिए प्रसाद। इसमें आप केले ले सकते हो, बूंदी के लड्डू ले सकते हो, और जाके वहाँ पे पंडित जी से बात करते हैं कि पंडित जी मैं पांच मंगलवार तक इस व्रत को करना चाहता हूँ, इतना संकल्प मुझे करना है। तो आपको रीता शक्ति के साथ मेरा संकल्प पांच मंगलवार के व्रत तक करा देंगे। तो पंडित जी वहाँ पे दीपक जलवा के आपका संकल्प करवा देंगे। तो संकल्प के बाद जो आपको नियम फॉलो करना है वो ये है कि जैसे मान लो आपने सात मंगलवार के व्रत का संकल्प किया, तो पहले मंगल से लेकर सातवें मंगल के बीच में जो दिन आए, जैसे 47, 49, 50 जो भी दिन आए, उसमें आपको किसी भी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाना है, और लहसुन प्याज आदि का भी त्याग करना है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कोई तामसिक चीज नहीं खानी है। आपको व्रत के दौरान जितने भी दिन आपके आते हैं, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज और सभी प्रकार की नॉन वेज चीजों का सैक्रिफाइस भी करना है। जैसे ही आपका व्रत स्टार्ट होता है, व्रत करने के बाद, दीपक जलाने के बाद, संकल्प के बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और एक नियम बनाना है कि डेली आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ जब तक करना है तब तक आपके सातों मंगलवार के व्रत ना हो जाए। इसके बाद डेली आपको एक नियम बनाना होगा कि आपको आधा घंटा या एक घंटा राम नाम का जाप भी करें। दिन में भी कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई काम करते हो तो उस काम के दौरान जब आपको समय मिले, हाथ पांव धो के, मुंह धो के, आसमन करके आप भगवान राम के नाम का जाप कर सकते हो। इस व्रत में शाम को एक समय खाने का भी विधान है। इसमें आप व्रत की सामग्री जैसे कि उबले हुए आलू, कोटू के चूर के पकौड़े, या ईटीसी और भी चीजें जो व्रत में खाई जाती हैं, उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियोस बना के दूंगा। बाकी आप इसके बारे में अपने घर के बड़े से भी पूछ सकते हो कि व्रत में क्या क्या चीजें खाई जाती हैं, तो वो भी आपको सुंदर तरीके से बता दूंगा। कोशिश करनी है कि शाम को किसी भी मंदिर में जो पास है उसमें आरती में जाया जाए, तो शाम को आरती में जाओ, भगवान जी की आरती करो, और राम नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए अपने स्थान पर सो जाओ। उसके बाद दूसरे दिन उठना है, जाकर नहा धो के हनुमान जी के मंदिर जाना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, धूपबत्ती जलाना है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, और उसी में से थोड़ा सा प्रसाद आपको ले लेना है, आपका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आपको सात मंगल तक, जब तक आपने संकल्प लिया है तब तक नॉन वेज और किसी भी प्रकार का गलत काम आपको नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई भी आपको नहीं करनी है, केवल भगवान का भजन करना है। जितनी मजबूत आपकी आस्था होगी, जितनी ज़्यादा आपकी आस्था भगवान जी के प्रति होगी, हनुमान जी के प्रति होगी, उतनी ही जल्दी आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। तो आपने देखा है कि कुछ लोग हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग उज्जैन महाकाल जाते हैं, कुछ लोग अपने पास के मंदिर में जाते हैं, और कुछ लोग अपने ही मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैष्णो देवी में शक्ति नहीं है, या उज्जैन महाकाल में शक्ति नहीं है, या पास के मंदिर में शक्ति नहीं है, केवल व्यक्ति की आस्था कहाँ पे है। अगर व्यक्ति की आस्था वैष्णो देवी में है, अगर उसकी आस्था है कि केवल वैष्णो देवी में जाकर मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो उसकी जो मनोकामना है वो वैष्णो देवी में ही पूरी होगी।
तो जिस व्यक्ति की आस्था जहाँ पे होगी वहीं पे शक्ति प्रकट होगी, क्योंकि आस्था से ही और भगवान के भजन से ही शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और वो ही शक्तियाँ हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। राधे राधे, आपका स्वागत हमारे चैनल में हमेशा रहेगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी व्रतों की विधि आपको बताई जाए या कथा आपको बताई जाए जिसके बारे में आपको ना पता हो, और आपको किसी भी व्रत में या कथा में अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय है तो आप हमारे जो चैनल है उसमें आप किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो कि पंडित जी मुझे इस व्रत की विधि जाननी है, क्या इस व्रत की विधि है, कैसे इस व्रत को करना है, उसके बारे में 7 दिन के अंदर आपको कमेंट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि इस विधि को आपको कैसे करना है।